हेलो माय डियर रेडियो का भर फैन, चलिए आज ये मेरा मशीन है जो सीमेंस से मतलब गो, ये हमारी है इंजेक्टर। इससे हम इंजेक्ट करके एनजीओ करते हैं। अभी एनजीओ आते आया नहीं है, अगर जब भी आएगा मैं आप लोगों को एनजीओ का वीडियो ज़रूर बना के शेयर करेंगे। चलिए आज मैं दिखाता हूँ एक बढ़िया सा नी हुआ है, जिस नी में फ्रैक्चर है, ताकि आप लोगों को देखने के लिए अच्छा होगा, और कैसे किया और कैसे मैंने पेंट दिया यही आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा पास नी का पेशेंट है, ये नी आ गया, ये मैंने नी खोल दिया, ये पेंट दिया था तो इसका आया भाई। ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, ये अभी जो नी खोला मैंने, ये विंडो देखिए इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रैक्चर, आपको दिखाता हूँ क्या कहाँ दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा क्वालिटी सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए ये जा रहा है नीचे की तरफ, तो ये देखिए ये जो है ये पेशेंट का फ्रैक्चर है। तो आप लोगों को जब पेंट देते हैं उस टाइम पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं इसमें कर रहा हूँ 35, क्योंकि टोपोग्राम के साथ हमारी हो जाएगा 36। तो ये 35 इमेज है, इसमें आपको देखना होता है कि कहाँ से आप लोग कहाँ तक देखें। ये लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ से है, हमें यहाँ पर पेटल अभी दिखाना है और जो फ्रैक्चर का सीन है टोटल दिखाना है। अगर टेढ़ा होता है थोड़ा सा आपको सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के साथ ही आपको दिख जाएगा पूरा, और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया, यहाँ से हमने टोपो का सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे ये विंडो सिलेक्ट कर दिया। अब ये देखिए फिलिंग हो गया हमारे पास रेडी। ये हमने थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, इसको 6x6 करना पड़ेगा फिलिंग फॉर्मेट। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको भी सेट करना होगा। ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि फ़ोटो अच्छे से देखने को डॉक्टर को मिले। तो उस हिसाब से आप भी देख के सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। और करने का तो कुछ नहीं है, असली फिल्म के ऊपर होते हैं, जो फिल्म में अगर डॉक्टर को रिपोर्ट नहीं भी होता है तब भी अगर डॉक्टर को फिल्म में सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, वही होता है अच्छी क्वालिटी का फिल्म। अब इसमें ये था मेरा लेफ्ट नी, तो मैं इसमें लिख देता हूँ लेफ्ट नी। तो ये लिखने के बाद क्या होता है, डॉक्टर को और अच्छा लगता है, ताकि डॉक्टर ऐसे भी देख सकते हैं हाँ ये लेफ्ट नी का किया हुआ है। और यहाँ पे आप लेफ्ट नी लगा दिया, ये जूम आउट कर दिया और ये फिल्म ऑलमोस्ट आपको हो गया रेडी। आप यहाँ से पेंट दे सकते हैं, और मैं पेंट नहीं दूंगा क्योंकि मैंने पेंट पहले ही दे चुका था। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए फिर दोबारा पेंट पर फिल्म बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को मिस ना हो जाए किसी भी चीज़। अब देखिए मैं इसको कर रहा हूँ कॉर्नर में। कॉर्नर में आपको कैसे पिन देना है, कॉर्नर में हम ज़्यादा कोई खास पिन नहीं देंगे, इसमें पूरा आपको आना चाहिए पूरी चीज। सॉरी तो थोड़ा सा खांसी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा। ये देखिएगा बस, ये देखिए यहाँ पे हमने कर दिया सेट। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करके, तो आप हम कॉर्नर और सेज, ये सेज भी लगे थोड़ा, अगर टेढ़ा होता है तो हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रोटेट करके सीधा कर लेना चाहिए, तब फिल्म में आपको अच्छा आएगा। इसमें भी हमने कर दिया 18, और ये भी हमें 6x6 की फॉर्मेट में देंगे, ये चेक कर लीजिएगा। हाँ ठीक आया, ये राइट साइड है और ये है लेफ्ट साइड, तो ये दोनों पूरा आ चुका है। इसको स्टार्ट कर दिया और उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के साथ ये हमारी दोनों रेडी हो गया। तो ये हम कॉर्नर दे दिया, ये हमें सेज दे दिया, ये दोनों का हो गया 18 इमेज। तो ये हमें रिवाइज करना पड़ेगा ताकि हमें अच्छे से देखने को मिले। अब देखिए ये बिल्कुल फिल्म रेडी हो गया, इसको मैंने घुमा दिया ताकि ऊपर से नीचे तक नी को अच्छे से देखे। ये बड़े वाले फ़ोटो में लेके आपको क्लियर कर देना है। इसके बाद ये देखिए जूम कर दिया मैंने, और इसको पूरा सिलेक्ट करके आप बड़े वाले इमेज में देख के उसको सेट कर देना है सही से, ताकि पूरा दिखाई दे। ये आपकी फिल्म हो गया रेडी। अब इसको आप अच्छा से देख के जूम अगर आपकी हो गया अच्छे से, तो आप इसको पेंट दे सकते हैं। अब ये भी बिल्कुल रेडी लग रहा है, ये यहाँ से आप पेंट दे सकते हैं, मैं पेंट नहीं दूंगा। तो अब आते हैं मेन चीज़ जो होता है डॉक्टर जो जिसको अच्छे से करके देना होता है, वो होता है थीडी। ये हमारे थीडी की मैंने थीडी के लिए डाल दिया। ये देखिए नी आ गया, इसमें आपको सॉफ्ट टिश्यू वाला देना है, ताकि सॉफ्ट टिश्यू में ये जो थीडी है बहुत अच्छी आते हैं। ये देखिए आप लोगों ने देख पा रहा होगा, तो
ये अच्छे से आ गया है। इसको रोटेट करके ये देखिए, ये फिक्सर आप लोगों को देख रहा होगा यहाँ पे, और इस साइड में भी आप लोगों को देख रहा होगा। इसको अच्छा से घुमा लेना है, और इसको भी कैसे पेंट देता है वो भी मैं बताता हूँ आपको। आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना करें, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड को, ताकि जो फ्रेंड सीख रहे हैं उसके लिए मदद हो जाए। और आप लोग किसी को मदद कर देंगे तो आप लोगों को भी अच्छा है, और मैं जो बना के दिखा रहा हूँ आप लोग देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ पाते आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, हम ऐसे घुमा के जब देते हैं, इसमें कई बार क्या होता है, ये नी जो फ्रैक्चर हुआ है वो सीधा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा नी अच्छा नहीं होता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे नहीं, एक दूसरे तरीका से पेंट करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग ऐसे कंडीशन में क्या, अभी ये देखिए कितना टेढ़ा हो रहा है, इतना टेढ़ा अगर हम इमेज पेंट देंगे तो ऐसे में अगर सीधा कर रहा हूँ तो इधर से टेढ़ा हो रहा है। तो ऐसे हर कंडीशन में हमें क्या करना होता है, ऐसे में मैं ऐसे में भी करके आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसमें देखिए कैसे टेढ़ा हो रहा है। टेढ़ा होगा तो फिल्म आपको देने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये मैं एक बार स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, तो ये टेढ़ा होता है तो फिल्म देने में अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, तो ऐसे में आप उसको क्लोज कर देंगे, और सिर्फ उसी को लेंगे और उसी को अच्छे से आप फिल्म सेलेक्ट कर लेंगे कितना फिल्म आपको देना है। उसके बाद मैं आपको ये दिखा दिया, 3x3 के फॉर्मेट लिया। तो इसमें क्या होगा, एक एक इमेज कर सिलेक्ट करके भी हम दे सकते हैं। ये मैंने कर दिया, फिर रोटेट करके थोड़ा सा घुमा के, हाँ बस इतना सा कर दिया, इसको भी हमने सिलेक्ट कर दिया। ऐसे आपको अच्छा से जो जो चीज़ अच्छे से देख रहा है उस इसको दिखा के, ये देखिए सीधा कर दिया मैंने, अब इसको भी मैं कर दिया। उसके बाद ये यहाँ से अच्छा दिख रहा है तो यहाँ पे भी हमने कर दिया, और थोड़ा सा घुमा के ये जो ये इसमें पूरी सी दिख रहा है इसको भी कर दिया, और आगे भी ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा, और ऐसे आपको घुमा के पूरी इमेज अच्छे से दिखा देना है चारों तरफ से, आपको जैसे अच्छे से डॉक्टर को दिखे। ऐसे जब आपको बिल्कुल सेट हो जाएंगे, ये देखिए मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ, 3x3 का फॉर्मेट की मैंने कंप्लीट कर दिया। ये देखिए 3x3 का फिल्म में आ गया, आप बिल्कुल सीधा हो गया है। इसमें भी थोड़ा सा टेढ़ा होता है तो आपको थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर देना है। आप तो एक साथ तो सब लेंगे तो आपको अच्छे से नहीं हो पाएंगे, तो आप अभी एक एक करके कर दीजिए, थोड़ा सा बेसिक उसको जूम आउट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ताकि इतना बड़ा है तो अच्छे से दिख जाएगा। ये ऐसे कर दिया, फिर इसको अच्छा से एडजस्ट करके बिल्कुल बीच में करके दे दिए, ताकि डॉक्टर को देखने में बहुत अच्छा हो। अब आपको ये रेडी हो गया, आप पिन दे सकते हैं, मैं पिन नहीं दूंगा, डिलीट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लोग ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए और फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।